बढ़ेंगे आगे खंडवा से खबर, जहां किसानों ने फसलों के दामों को लेकर 400 से ज्यादा ट्रैक्टरों की मार्च निकाली है। यहां संयुक्त कृषक संगठन के आह्वान पर जिले के किसानों ने जिला मुख्यालय से एक बड़ा मार्च निकाला। किसान सरकार से एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसान सैटेलाइट सर्वे की जगह मैनुअल सर्वे की भी मांग कर रहे हैं। इस रैली में करीब 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं खंडवा से खबर, जहां 400 ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने निकाली रैली। संयुक्त कृषक संगठन के आह्वान पर निकाली है रैली, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने ये रैली निकाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। सरकार से एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। मैनुअल सर्वे और कर्ज माफी की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों ने फसलों के दामों को लेकर 400 से ज्यादा ट्रैक्टरों की मार्च निकाली है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त कृषक संगठन के आह्वान पर जिले के किसानों ने जिला मुख्यालय से एक बड़ा मार्च निकाला। किसान सरकार से एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसान सैटेलाइट सर्वे की जगह मैनुअल सर्वे की मांग कर रहे हैं और इस रैली में करीब 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 400 ट्रैक्टरों के साथ यहां पर किसान पहुंचे और मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मांगे हैं, बताते चलें कि सरकार से एमएसपी तय करने की मांग करते हुए ये किसान नजर आए। इसके अलावा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैनुअल सर्वे और कर्ज माफी भी कराई जाए, सैटेलाइट सर्वे के बजाय मैनुअल सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं ये किसान। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों ने फसलों के दामों को लेकर 400 से ज्यादा ट्रैक्टरों की ये मार्च निकाली है। कितनी बड़ी संख्या में आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी प्रदेश सरकार अलग अलग फैसले लेते हुए नजर आ रही है, और इससे पहले सोयाबीन किसान के लिए एमएसपी पर बड़ा फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है किसानों को कि उनकी भी मांगें सुनी जाएगी।